अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ आज मैं लेकर आई हूँ मीठी मीठी से गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए जी, मुंह मीठा करते हैं और बनाते हैं गुलाब जामुन। यहाँ मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, 1 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 अदद अंडा। अब यहाँ पर जो मैंने नीडो मिल्क पाउडर लिया है, इसको एक बाउल में डाल लूँगी। अब इसके अंदर मैदा शामिल कर दूँगी और मैदा शामिल करने के बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दूंगी और इलायची पाउडर भी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स 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 कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून घी का शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। और अब इसके अंदर जो 1 अंडा दिया था हमने, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसका हमें अच्छे से डो बनाना है, तो चम्मच को हम करते हैं साइड पर, अपना देसी काम और हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे डो बना लेना है। अब हमारी एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है, तो अब ये डो तैयार हो गई है और अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर बड़े चाहते हैं तो बड़े बना लीजिए, या छोटे, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ रखूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं रखूँगी, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे और इसको शीरे में डालेंगे तो ये लार्ज हो जाएंगे अपने साइज़ से। तो जब आप ये बॉल्स बनाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप गुलाब जामुन की बॉल्स में क्रैक्स नहीं होने चाहिए और शाइन आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बॉल्स बना लें। यहाँ तमाम गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ शीरे की। तो यहाँ मैंने 4 कप पानी शामिल कर दिया है और इसके अंदर 1 कप ही मैंने चीनी शामिल की है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये शीरा बन जाए। और इसके अंदर 3 से 4 हरी इलायची मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से जोश आने तक के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर तेल हल्का गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर अब मैं गुलाब जामुन ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारे गुलाब जामुन जल जाएंगे। तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पे शीरा तैयार हो रहा है और इस चूल्हे पे मैं गुलाब जामुन फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करने हैं हमें इसको। मीडियम फ्लेम पे पहले इसको गर्म कर लेना है और फिर लो फ्लेम पे हमें इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और इसको अलट पलट करते रहना है। आपको इसे इतना अच्छा मतलब कि फ्राई करना है कि इसका ब्राउन कलर आ जाए। ब्राउन कलर आना चाहिए, ना कि डार्क ब्राउन कलर, क्योंकि डार्क ब्राउन कलर आता है तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, अट्रैक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्राउन कलर ही करूँगी इसको। और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम इसे शीरे में डाल देंगे। अब मेरे मुताबिक ये यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट गुलाब जामुन का कलर है। तो अब मैं इसको शीरे के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि कैमरे में इतना फोकस पता नहीं कर पा रहा है या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने इसको ब्राउन कलर दिया है और जब ये शीरे में लार्ज हो जाएंगे, मतलब कि 5 मिनट के लिए मैं इस शीरे में पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से जोश में पक जाए। फिर इसके बाद मैं इसी शीरे के अंदर इसको 10 मिनट के लिए रहने दूंगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब गुलाब जामुन का मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़ी सी मतलब के गहरी होनी चाहिए ताकि इसके अंदर आप शीरा ऐड कर दें। और यहाँ पर शीरा मैंने एक बाउल में अलग निकाल लिया है और जो बाकी शीरा था वो मैंने
रहने दिया है ताकि हम कोई दूसरा मीठा बनाएं तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड करके अब ये शीरा मैं गुलाब जामुन पे डाल दूँगी ताकि हमारे गुलाब जामुन इसके अंदर तैरते रहें। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।